पिछे पिछे तुरदी आ फेम अजकल आउंदा ए सटारा विच नेम अजकल। गाइस आज बड़ी दुखद चीज हो गई, पूछो क्या। आपको कहा था कि पिछले व्लॉग में कि हम कन्हेरी क्लिफ्स जा रहे हैं, केव्स जा रहे हैं, नॉट क्लिफ्स। बट प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, प्रोग्राम में चेंज पूछो कैसे रहने का, सारा दिन बेड पे लेटे रहने का और फिल्म देखते रहने का। और 11 बजे याद आया कि चलो कुछ जूस पिया जाए, और वो जो आपको बताया था ना, वो मैं क्या कहता हूँ, वो अमृत जो पीता हूँ वो मैं नारियल में चम्मच अपना डाल के, वो यहाँ से अपन लेते हैं। ये जंगल करके है, जंगल जंक्शन करके, भाई कैटी जगह है अपना, वही एरिया पड़ता है अपना महावीर नगर। तो बढ़िया हूँ आ गया हूँ खान। तो अंकल काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं, कहने सीधा मैंगो जूस ही पीला या फ्रेश जूस पीला। वो कार वाली कह रही है रहन दो, तुम चपेटा खा लो। आ गया गाइस समान, थैंक्स यार आ गया। यार बोला ओ हो मलबेरी सिताप ओके, और की तेरी जूस आ रहा है। और ये क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ही, तो गाइस रोज के कस्टमर बन गए तो सारा कोई कॉम्प्लीमेंट्री 100-250 दी आइटम जड़ी है वो कॉम्प्लीमेंट्री चलने लग गई है, समझ गए कि नहीं। और सामने वाले बंदे भी बहुत खुश हो रहे हैं कि बंदे का ब्लॉग ब्लूग चैनल है जो वधिया तरीके दे नाल ना वो कर रहे हैं, वो अपने फूड ब्लॉगिंग वगैरह एंड ऑल। तो अज आप शुरुआत करा ये नाल। तारगुला मलबेरी ते सीताफल मिक्स, सच में कह रहा हूँ, नो एडेड शुगर, नो नथिंग गाइस, वेरी गुड सोर्स ऑफ पता नहीं की, बट इट इज गुड। ये फ्री वाली चीज पे भी जरा ना फोकस करते हैं, फ्री मिला रहा है सामने, समझो। ये भी देखते हैं हम, पहले आ देख लिया। चंगा गाइस हूँ मैं खा ला, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। कल तो पूरा दिन हम नहीं नहाए, एंड कल प्लान था हमारा कनेरी केव जाने का, लेकिन आपको पता ही है घर पे जब इंसान पहुंच जाता है और बैठे बैठे इंसान का मन कहीं करता नहीं, क्योंकि सुबह तो बारिश वगैरह हो रही थी। फिर उसके बाद शाम को सोचा मैं, क्या यार एटलीस्ट अब महावीर नगर तक तो चलो, सीताफल तो खा लिया जाए। मुझे सीताफल बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करता हूँ सीताफल, आपने देख लिया होगा आगे वीडियो पे पीछे वीडियो में, एंड तो देखने हैं कि सीन होता है। मेरे को भी जल्दी जल्दी नहाना है गाइस, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी जल्दी नहाना है, फिर मेरे को जाना है, बैग पैक करना है, जिम का भी सामान साथ में ही लेके जाना है, भाई बड़ा कुछ करना है। बाकी देखते हैं क्या होता है यार। संडे बढ़िया था कल, आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स गाइस, एंड सीजन 1 निकल गया, सीजन 2 के 3rd एपिसोड पे हूँ। ठीक लग रहा है, काइंड ऑफ ठीक है। मैं इतना पीरियोडिक चीज देखता नहीं, लेकिन सब कह रहे हैं कि बढ़िया होता है, बढ़िया होता है, तो भाई मैं क्या देख ही लेते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सीखने में मिल जाएगा, अपना आर्ट क्राफ्ट ही बढ़िया होगा। एंड मेरे को जल्दी से नहाना है, एंड जल्दी से नहा के आज निकलेंगे, बढ़िया बढ़िया तरीके से निकलेंगे गाइस आज, एंड देखते हैं क्या सीन होता है, क्या माहौल होता है। और जल्दी से इस ब्लॉग को एडिट करके अपलोड पे लगा के जल्दी जल्दी नहाऊंगा फिर निकलूंगा। कैसे आपको 3 चीजें बता देता हूँ आज, जो 3 चीजें आपको मतलब कह लो कि नहीं खानी है। पहले तो आ गया पीनट्स, पीनट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, मैं भी खाता था लेकिन नॉलेज इंक्रीज हुई, गेन हुई, तो पता चला कि जो पीनट्स हैं, पीनट रिलेटेड कोई भी चीज़ है, पीनट बटर लगा लो या पीनट का कुछ भी लगा लो, पीनट एज अ टेस्ट खा रहे हो, जैसे मैं कई बार पीनट मसाला खाता हूँ, अपने सारे शराबी दोस्त बैठे होते हैं सारे, जो तो सिर्फ मैं और सिर्फ पीनट मसाला ही खाता हूँ,
वो कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप जनरल रोज डाइट में पीनट खाओगे तो आपके लिए गलत है। ब्लोटिंग नहीं खत्म होगी, डाइजेस्टिव फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, ठीक है जी। और जो ये एनर्जी बार और ये कहते हैं ये प्रोटीन बार जिसको भी हम कहते हैं, हम मुझे भी नहीं पता था, मैं भी खाता ही था, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया। तो इससे अच्छा अगर 150 रुपये की एनर्जी बार लेनी है तो आप 120 रुपये वाले मिस्टर मखाना के मखाना ले लें, अपने ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर वाले, वो ज़्यादा मच बेटर है। यहाँ तक भी हमें बोला गया है कि जो बंदा हमें नॉलेज देता है, यहाँ तक भी हेमंत भाई करके हैं जो कि संजोग भाई के ट्रेनर हैं, तो उन्होंने बोला है कि आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा जीवन में, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप एक दाल के साथ फुल्का खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये चीज़ें मत खाओ। तो समझ रहे हो गाइस, 13-14 साल मुझे इस लाइन में हो गए हैं, लेकिन जो नॉलेज मुझे बॉम्बे से मिली है रिलेटेड बॉडी बिल्डिंग, वो पंजाब में अपने नहीं है अभी भी इतनी, समझ रहे हो। एंड होगी भी, लेकिन अपन ज़्यादा प्रोफेशनल है नहीं, और थोड़ा ये भी सिस्टम रहता है अपने जो बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है कि इसको मैं अपने गुण ना बताऊँ या ना बताऊँ। एक बात याद रखना, आप किसी को गुण बताएं या ना बताएं, जिसको जहां पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। आप नहीं मदद करोगे तो भगवान मदद करेगा, भगवान नहीं मदद करेगा तो भगवान एक जरिया भेजेगा। तो समझ रहे हो, काम हो ही जाते हैं कभी किसी के आने पे या जाने पे, कोई काम नहीं रुकते, काम हमेशा होते रहते हैं गाइस, समझ रहे हो ना। तो यस, ये 3-4 चीजें हैं जो आप ध्यान रखें। जिसको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, पीनट रिलेटेड खानी चीजें बंद करते हैं। एंड पीनट का ऑयल इज ठीक है, वो कभी कभी तड़के में यू कैन यूज इट, लेकिन कोशिश करें देसी घी का तड़का और सरसों के तेल का तड़का। देसी घी का तड़का भी तभी लगाएं जब आपको पता है कि आप दोपहर को तड़का टेक्निकली या दिन में टेक्निकली होना चाहिए, रात में तड़का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देसी घी है वो शरीर गर्म करता है और शरीर से मेहनत मांगता है। अगर आप मेहनत दे पाएंगे तो खाएं, नहीं दे पाएंगे तो मत खाएं, नहीं तो क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो जो घी है वो जमना शुरू हो जाएगा आपकी वेन्स में, आंतड़ियों में, समझ रहे हो। तो उसका सारी चीज़ों का ख्याल रखना, चाहे आप जीवन में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप 20 मिनट 25 मिनट अपनी वॉक ज़रूर रखें। मैंने मेरा पेट जिसका नाम हिटलर था, उसको ना सैर कराने की वजह से ही मैंने उसको खोया है, क्योंकि कहते हैं सैर बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवरों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो इंसानों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी गाइस, समझ रहे हो। तो वॉक अपनी ज़रूर रखें, हर जगह जहाँ पे भी जाएं कोशिश करें कि आप जितना पैदल चल सकें, मेरे हिसाब से 10,000 स्टेप्स रोज आपको कर लेने चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब ना भी जब आप इससे शुरुआत करें कि 10,000 स्टेप मुझे करना ही करना है कैसे भी करके, गाइस काम कभी नहीं रुकने, टेंशनें कभी नहीं रुकनी, वर्कलोड कभी नहीं रुकना, आपका ये शरीर अगर सही